दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे कि हम लोग आए हैं जागेश्वर, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शाम की आरती के लिए। तो आज आपको दिखाएंगे हम भोले बाबा की शाम की आरती कैसी होती है। और मैं आप सभी को, आप सभी मेरे परिवार वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ आप सभी मेरे जो मेरी आरती पूजा है वो सब लोग आप देखें और भोले बाबा का आशीर्वाद आप सभी को मिले। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की शाम की आरती देखने, क्योंकि आरती जो है 7 बजे से शुरू होगी, पंडित जी ने बताया है। तो मुझे लग रहा है आरती स्टार्ट होने वाली है, इससे पहले हम लोग निकलते हैं मंदिर को। तो चलिए आप सभी आज देखें भोले बाबा की आरती। रूम है ऊपर और हम लोग जा रहे हैं नीचे, और यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है। इन्हें भी कर लिया है चेंज, तो मीठी का आउटफिट कुछ ये है, नहीं तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमें जस्ट बगल में ही मंदिर है, वहाँ पे जाना है, तो मैंने कहा चलो। तो ये है कुछ यहाँ का व्यू। नहीं यार, ये यहाँ का रिसेप्शन। तो यहाँ पे कुछ एंट्री करनी थी, वो कर लेते हैं। बस मार्केट आती है, इनकी डिमांड शुरू हो चुकी है दोस्तों। तो इधर जो है आजकल लगी हुई है छोटी छोटी दुकानें, क्योंकि आजकल जो है यहाँ मेला भी है। सो गाइस, इट्स लाइक अ मेला एंड लाइक मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ ऐसे मेले में। इस बार हम लोग जो उधर लेके आए थे स्टेला, तो पहली बार अंदर घुसूंगी, इतनी खुशी होगी क्या भोले बाबा को देखने की। पहली बार है मेरा यहाँ जाके, मतलब पिछली बार भी हम आए थे पर प्यू जा नहीं पाई। ये क्या होता है लड़कियों का, तो उसके लिए मैं यहाँ ये वाली दुकान दिख रही है, यहाँ बैठी थी। हाँ बैठ गई थी मैं, इतना रोई थी ना मैं पूरे रास्ते। जय हो। यहाँ से वहाँ से जाएंगे। ये चप्पलें अपनी अलग से रखना, उठा के ले जाती है आंटी को, पता नहीं कहाँ रखती है चप्पल। आओ घर से, यहाँ से आने का है। तो आज हम फिर से मंदिर के अंदर रखेंगे कदम, भोले बाबा के दर्शन करेंगे आज हम। जय हो। आ जाओ जा। तो यहाँ भी तो बैठी सकती थी उस दिन। तो इधर हो चुकी है आरती की तैयारी। Thank you.
जय। दर्शन करके आ गए हम। आरती कैसी रही? बहुत ही ज्यादा बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। वाकई में तो फर्स्ट टाइम था, उसके हिसाब से बहुत अच्छा था। मेरा भी फर्स्ट टाइम आरती, बहुत ही अच्छी आरती। तो यहाँ जो है मार्केट बंद होने लग गई है, 8 बज चुका है। 7 बजे से आरती शुरू हुई थी, अब यहाँ से थोड़ा बहुत सामान देखते हैं। तो यहाँ अब हम लोग सोच रहे हैं कि खाना बाहर ही खाने, तो यहाँ देखते हैं। आप फोन कर दे, खाना खा रहे हैं। देखो तो इधर जो है ईजा को पसंद आ रही है केतली। तो दोस्तों केतली की चाय भी बड़ी अच्छी होती है। केतली लेने का मन हो रहा है? लो ये है, छोटी है। हाँ ये छोटी है, ये इसमें 5-7 की है। हाँ बताओ क्या कर रही पिंकी? ले रही केतली में चाय बना के पिलाओगी तो ले जाओ। अब गया वो जमाना जब बहुएं बना के पिलाए। सास स्वाद तो सासे को हाथ का है। क्या करोगी केतली, तुम धो सकती हो साफ करके से? तुम्हारे हाथ में मेहंदी लग रही है। केतली का स्वाद ही अलग है चाय का। है अभी हमारी केतली 8-10 केतली बिक गई है। अब हम लोग आ चुके हैं, यहाँ आ गया मेरा छोटा भाई और हम चेंज करके अब जाएंगे सीधे खाना खाने। खुश रहो। चेंज हो चुका है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने। हो चुका है रेडी, अब सब लोग आ गए हैं दोस्तों खाने के लिए। और खाने में आज हमने क्या ऑर्डर किया है? इधर हो चुका है हमारा लंच, डिनर, सॉरी डिनर तैयार। और क्या है खाने में दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ है हमारा खाना। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है यार उस। तो दोस्तों हम लोग खाते हैं खाना। खाना खाने के बाद आपसे मिलेंगे। आप कैसा हो रहा है? खाना हो चुका फिनिश, खाना बढ़िया था। अच्छा बना था भैया? भैया कौन है जिनका मोटा पेट है? कुक भैया का पेट मोटा ही होता है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होता होगा? अच्छा बना था खाना, बहुत अच्छा। मतलब टीआरसी में खाना अच्छा ही होता है। हाँ सब अच्छा नहीं, हम जितने भी टीआरसी में रुके ना सब जगह अच्छा ही था। तो बाहर जो कुक भैया ना उनको बोलना कि बहुत अच्छा बना था। मैंने कहा कुक भैया वही है, कौन बिगा रहा है? मामा से नहीं लड़ते यार। सजनी कल सुबह यहाँ बैठ के करेंगे। कौन भैया चले गए क्या? सोने चले गए? चलो अब हम लोग भी चलते हैं। हाँ वही थे जो सुबह हमें कुर्सी में मिले यहाँ पर। हाँ Room number 2। अब हम लोग खाना खाने के बाद जा रहे हैं वॉक में, वहाँ बच्चे खाएंगे आइसक्रीम, तो बच्चों को खिला के लाते हैं हम आइसक्रीम। तो दोस्तों अब इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। कल मिलेंगे अपने एक और नए ब्लॉग के साथ, तो कल आपको देखने को मिलेगा सिवाचन। तो दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट।